अब तो भैया को जरूर पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अरे एक ना एक दिन तो पता चलना ही था उन्हें। जबरदस्ती काय को इतना लोड ले रही है? मैं जाकर मस्त कॉफी लाता हूँ। सोचा तेरे साथ बैंगलोर में रहेगी तो ये सेफ रहेगी, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या होता? दास अचानक हमला करेगा ये सोचा नहीं था भाई। मुसीबत आने से पहले फोन करके आती है क्या? शाना दुश्मन बोल के हमला नहीं करता, सब तेरी गलती की वजह से हुआ। मैं इसे वापस घर ले जा रहा हूँ। भैया आप कोई मुसीबत नहीं आएगी, मैं देख लूंगा। ताकि ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह भाग जाए। क्यों? मैं दीदी के जैसा गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अपना मुंह बंद रख। बड़ी की शादी कार्तिक से करवाने का वादा करके मैं उसे निभा नहीं पाया, लेकिन अब उसी से शालिनी की शादी करवा के अपनी यह गलती सुधारूंगा। चल, वो लड़का इसके दिल में भले रहे लेकिन इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जैसा आप कहें भैया। सका है मुंह लटकाया हुआ क्यों है? मुस्कुराना। What are you doing here? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। उस दिन जिन लोगों ने तेरे पे हमला किया था कौन थे वो लोग? दास के आदमी थे। कौन? वो केशवपुर का डॉन? लेकिन वो तेरी जान के पीछे काय को पड़ा? भवानी, आज तक मेरी बहन ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, पर आज बताया कि ये तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मैं इसे बहुत बार समझा चुका हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा ताकि अपनी बहनों की सही परवरिश कर सकूं। पता है किसे मना कर रहे हो? वजह से भैया ने मुझे सत्या भाई के पास बैंगलोर भेज दिया था और मेरी दीदी की शादी करवा कर उसे अमेरिका भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन मेरी दीदी इस बात की जरा भी परवाह किए बिना किसी के साथ भाग गई। जमाल सीता और गीता। शालिनी, तेरी बहन को भगाने का बंदोबस्त मैंने ही किया था। मेरे भैया तो कब से तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं और अब तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। हमारे प्यार से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है, और ऊपर से मेरी दीदी ने जो गलती की है वो मैं दोहराना नहीं चाहती। भूल जाओ मुझे, सब कुछ भूल जाओ। बरोबर है शालिनी, एक बहन होने के नाते तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, पर अब क्या कर सकते हैं, अपन भी हटेला आशिक है। तेरे को जो करना तू कर, मेरे को जो करना मैं करूं। आइए पंडित जी, नमस्कार। ड्राइवर, गाड़ी पूर्व दिशा में पार्क करो। ठीक है सर। मुहूर्त तो बहुत है लेकिन शनि आपके घर में डेरा डालकर बैठा हुआ है। क्या मतलब? ये घर बहुत बढ़िया है लेकिन वास्तु गलत है। जब तक आप इस घर में रहेंगे तब तक बेबी की शादी होना मुश्किल है। लेकिन क्यों? हवा ने दे, घर अच्छा दिखे इसके लिए इंटीरियर करवाते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर ठीक है या नहीं देखना भूल गए। वास्तु? वायु का प्रवेश घर में बंद है, धन की प्राप्ति है पर कोई लाभ नहीं है। सब कुल मिलाकर इस घर में वास्तु भगवान कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इस घर का निर्माण और आपकी बहन की कुंडली को देखकर ऐसा लगता है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है।
सही कहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वास्तु प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना चाहिए पंडित जी? वो घर देखना पड़ेगा जिसका वास्तु अच्छा हो। कैसा होगा वो घर? वो ना, उस घर की उत्तर दिशा में, नहीं नहीं दक्षिण दिशा में पानी होना चाहिए। पानी अगर नहीं ला तो बाल्टी भर के रख देना। मैंने कहा होना चाहिए और तू फालतू सवाल पूछ रहा है। अगर समंदर होगा तो बहुत अच्छा होगा। घर ऐसी जगह पर रहे तो घर में सब शुभ मंगल होता है। अगर घर के आगे सीढ़ियाँ हो तो और भी अच्छा होगा। इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो ना, तिदल मिलेगा तो खुद ढूंढ ले मोटे, वजन कम होगा। ऐसा कोई घर जल्दी से ढूंढ। काय झाला रे वास्तु, इतने में हवा टाइट हो गई तेरी। तूने किया बस एक नैनो के लालच में, वास्तु के नाम पर जो भी तूने बोला वो सब बोल कर आ गया। अगर वो वास्तु वाला घर भवानी को नहीं मिला तो समझ लेना वो मेरा वास्तु कर देगा। बाबा मैंने अपनी आयु की रेखा खुद रबर से मिटा दी रे बाबा। काय को टेंशन ले रहा है, ऐसा ये घर है मेरे पास। किधर है? अपन का घर। आजा बेटा। सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम सर, वेलकम मैडम। ये लोग कौन है? घर के ओनर है भाई, ऊपर रहते हैं। कैसा गया सर? एकदम ठीक। अपना ये घर बहुत लोगों ने मांगा और मैंने किसी को नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पता चला शादी का मामला है तो मैं तुरंत मान गया। ए, वो दोनों बंदर को भी लेके आओ। ठीक है भाई। अबे उतार, चलो 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 अंदर चलो। तेरा बाप संता अपना विकेट पक्का गिरने वाला है। अरे अभी तक ओपनिंग बैट्समैन आया नहीं है, तुम लोग आउट होने की टेंशन ले रहे हो? अभी तो लंबी इनिंग्स खेलनी है। वेलकम वेलकम। हम दो लुखे फकीरों को इज्जत कौन दे रहा है? घर का मालिक हूँ। ओ अच्छा, वेलकम वेलकम वेलकम। सर सर सर, अभी जिसने मेरे को गले लगाए ना वो कौन था सर? एक बार वापिस बोलो ना। तू क्या उस टाइप का है क्या? टाइम पास कर ले, चलो चल मेरे से काम चला। उसको एक बार बुलाते थे तो काय चला। मैडम ससुराल कैसा लगा? चल गृह प्रवेश कर। घर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, अपना चॉइस ही धासु है। अभी अभी जिसने चॉइस बोला ना वो मेरे को एक बार गले लगाओ ना प्लीज। आ जाओ एक बार। ये बुढ़ापे में सठिया गया क्या तू? ये दोनों छिछोरे कौन है सर? ये वाला तो कुछ ज्यादा चिपक रहा मुझसे, इसका कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा। जब तक इसका बेटा नहीं मिल जाता ये दोनों यहीं रहेंगे। ले जाओ इन दोनों को। मूर्ख हमेशा गुस्से को प्रकट करता है, बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। ये अभी किसने बोला? किसी कवि ने कहा? जिसने भी बोला ना मेरे को उसको देखना है। उसके लिए टाइम को रिवाइंड करके 200 साल पहले जाना होगा। नहीं नहीं, अभी जिसने बोला ना उसको मेरे को देखना है। सब देखा कितना चिपकता है। ये पागल को ये कहां ले जाओ अंदर। अंधा कहीं का। ए दिल्ली हुजूर, अब देख रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ सर, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आई। इन दोनों को अंधेरे कमरे में बंद कर दो। पहले इतना अंधेरा है और कितना अंधेरा करोगे? अरे पहले पट्टी तो निकाल। अरे यहाँ रुको यहाँ। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही है? आजा 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 आजा। तुम्हारा प्लान क्या है? मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। तेरे भाई के आशीर्वाद से तेरे साथ शादी मनाऊंगा और खुशी खुशी रहूंगा। पर ये कैसे होगा? मेरे को भी नहीं मालूम। बोलो ना। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी दिमाग में आइडिया भी आ जाएगा। समझी नहीं। अरे खाली भोकट काय को टेंशन ले रही है? एक्शन तो मुझ में छोड़, रोमांस पर तू फोकस कर।